अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीश और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। गाइस आज पता नहीं क्या इतना ख़राब सा मौसम है ना कि इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और सो कर उठो तो इतना सर में दर्द के इम्तहान है। कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। खैर आप लोग बताइएगा, मेरे ख्याल में आजकल हर बंदे की कंडीशन ऐसी ही है। तो पहली बात ये कि आज ये हमारा आज 8वां मुहर्रम है मेरे ख्याल में। तो आपको पता है मैं 9 और 10 मुहर्रम का एपिसोड नहीं देती हूँ, तो कल और परसों एपिसोड नहीं आएगी। तो 2 दिन तक मैं नहीं आऊँगी आपसे मिलने के लिए, तो मिस मी। हम शुरू करते हैं आज की जो हमारी एपिसोड है। मैं स्क्रीन थोड़ी कम कर दूँ यार, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है अपन क्यों सर में दर्द है इस वजह से। तो लेट्स स्टार्ट हमारी आज की एपिसोड, यार सितम कर किस्त नंबर 60 तहरीर अरीशा। वो दरवाजे में बैठी, वो कमरे में बैठी बुरी तरह से रो रही थी इसके यहाँ आने की वजह से। कितना कुछ खराब हो गया था इसके यहाँ आने की वजह से। इतना सब कुछ हो गया था, इसके माँ बाप इससे नाराज़ हो गए थे। वो कितने खफा लग रहे थे, इस पर गुस्सा कर रहे थे, इस पर चिल्ला रहे थे सिर्फ इसकी वजह से। सारिक को थप्पड़ तक मार दिया था सारिक की माँ ने। इसे बहुत दुख हो रहा था इस बात का, आंसू मुसलसल इसकी आंखों से बह रहे थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हुआ क्यों है। वो इसे अपने साथ लेकर ही क्यों आया है। अगर वो इसे अपने साथ ना लाता तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन नहीं, इसे अपने साथ लेकर आना था। अब सब कुछ खराब हो गया था। वो अच्छी खासी छुपी हुई थी सबसे, किसी की नज़र में नहीं थी, कोई नहीं जानता था इसके बारे में। लेकिन नहीं, इसे तो इसे इसका मकाम दिलवाना था। अब इसे मकाम दिलवाने के चक्कर में इसके माँ बाप इसी से नाराज़ हो गए थे। अब पता नहीं वो अपने माँ बाप को कैसे मनाएगा। इसके माँ बाप राजी होंगे भी या नहीं। ना जाने कौन थी वो लड़की जिसके साथ इसका रिश्ता तय कर दिया गया था। इनकी बातों से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि ये सारी लड़ाई झगड़ा किसी लड़की की वजह से हो रहा है जो कि उसके चचा की बेटी है, जिसका रिश्ता वो लोग मांग चुके हैं। और अब इसकी शादी भी वहीं पर करवाना चाहते हैं। यकीनन वो लड़की इससे हज़ार गुना बेहतर होगी। वो इसके ख़ानदान की लड़की थी, यानी कि वो ख़ानदान में एक मकाम था इसका। और इसकी हैसियत क्या थी, कुछ भी नहीं। इसको तो कोई जानता तक नहीं था, और ना तो वो इनके ख़ानदान से थी और ना ही वो इनके ख़ानदान में से किसी को जानती थी।
आइसक्रीम के खानदान में सिर्फ खानदानी लड़कियां लाई जाती थी, यानी कि इसके खानदान में इसकी कोई अहमियत नहीं थी। वो कभी भी यहाँ अपना मकाम हासिल नहीं कर पाएगी। यही वजह थी कि वो इन सब से दूर रहना चाहती थी। इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो इसे अपनी बीवी कबूल कर रहा है और इसके साथ वो रह रहा है। वो इसका सहारा बना हुआ है। इसने तो कभी भी ज़ारिक को अपने ख़ानदान में मकाम दिलवाने के लिए नहीं कहा था और ना ही इसे कोई मकाम चाहिए था। वो जो भी थी, जैसी भी थी, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसे कुछ नहीं चाहिए था सिवाय ज़ारिक के। इसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो यहाँ आकर पछता रही थी। अब ना जाने आगे क्या होना था। वो ज़ारिक के लिए कोई इम्तहान नहीं बनना चाहती थी। वो बाबा के स्टडी रूम से निकलते हुए हर तरफ उसे तलाश करने लगा था। वो इसे यहीं बाहर बैठने का बोल कर गया था, तो वो कहाँ चली गई थी। इसकी परेशानी में इजाफा होने लगा था। वो तो इस तरह कहाँ जा सकती थी। इसके पीछे ही मामा भी रूम से निकली थी। इसकी नज़रों की बेचैनी समझ गई थी। सुनो, वो लड़की कहाँ गई है जो इसके साथ आई थी। वो इसे मुखातिब किए बगैर मुलाजिमा से दरियाफ्त करने लगी। बीबी जी, वो जो साहब के दोस्त आए हुए हैं ना, उन्होंने कहा कि वो इनकी बीवी है, तो इन्हें इनके कमरे में छोड़ कर आया जाए। मैं इन्हीं साहब के कमरे में छोड़ कर आई हूँ। वो ऊपर कमरे में है, इसने तफसील से बताया तो मामा के चेहरे पर गुस्से के तासरात नुमाया हुए थे, जबकि ज़ारिक ने गहरा सुकून का सांस भरा था। क्या मतलब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्या मैंने तुमसे कहा था कि वो इसकी बीवी है? वो गुस्से से चिल्लाई थी। रिलैक्स मामा, आपने कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन वो मेरी बीवी है और इसे मेरे कमरे में ही जाना था। बहुत अच्छा किया आपने, वो मुलाजिमा से कहता ऊपर की तरफ भर गया, जबकि सालिहा बेगम ने गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए कदम आगे बढ़ाए थे। वो कमरे में आया तो वो बेड पर पड़ी बुरी तरह से सिसक रही थी। इसके इस तरह से रोने पर वो परेशान होते हुए तेज़ी से इसके पास आते इसे सीधा करता, अपने सीने से लगा चुका था। वो इसके रोने की वजह बहुत अच्छी तरह
समझ गया था। यकीनन इसके माँ बाप के रवैये ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। परी मेरी जान, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मैं जानता हूँ मेरे माँ बाप के रवैये ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन प्लीज़ इस तरह से रोकर मुझे मज़ीद शर्मिंदा ना करो। वो इसे अपने सीने से लगाते हुए बोला तो वो इसके साथ लगती मज़ीद रोने लगी थी। सॉरी प्लीज़, आप अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। प्लीज़ आप इनका दिल मत तोड़ें। वो जिस लड़की से चाहते हैं आप उनसे शादी कर लें। मैं आपके ख़ानदान की नहीं हूँ, पर आपके ख़ानदान में सिर्फ ख़ानदानी औरतों को ही अहमियत दी जाती है। मैं नहीं चाहती कि इस ख़ानदान में आपका रुतबा गिरे। प्लीज़ आप इससे शादी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपको इससे शादी करने की इजाज़त देती हूँ। मेरे लिए आप प्लीज़ परेशान मत हो। मुझे कोई मसला नहीं होगा आपकी दूसरी शादी से। आप अपने माँ बाप का कहा माने, आपने इनसे वादा किया है। वो इसके सीने से लगे बोली थी, जबकि इसकी बातों और इसका जज्बाती अंदाज सुनता वो मुस्कुरा दिया था। अरे अरे, मेरी बेबाक और बोल्ड बीवी तो कुछ ज़्यादा ही बेबाकी दिखा रही है। अपने शोहर को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे रही है। जाने मन, कल तक तो आप मेरे आसपास किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और आज आप कह रही हैं कि मैं किसी और से शादी कर लूँ। और इसे अपने सितामे अपने सामने करते हुए कहने लगा तो इसकी आँखों से निकलते आंसुओं में इजाफा हुआ था, जिन्हें इसने बड़ी नरमी से अपने लबों से चुना था। तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा है कि ज़ारिक ख़ान दुरानी को कोई ख़ानदानी लड़की चाहिए? ज़ारिक ख़ान दुरानी को सिर्फ़ और सिर्फ इसकी परिजर चाहिए और कोई भी नहीं। मेरे लिए अहमियत तुम रखती हो परी, और तुम मेरे लिए हद से ज़्यादा ज़रूरी हो। मेरे लिए हद से ज़्यादा ज़रूरी हो गई हो। तुम्हारे बगैर सांसें तक नहीं आती, और तुम कहती हो कि तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लूँ। मैंने अपने माँ बाप को कह दिया है कि तुम इस ख़ानदान की हर औरत से बेहतर हो मेरे लिए। तुम पहली और आखिरी लड़की हो। बाकी मैंने इन्हें ये भी कह दिया है कि अगर वो लोग चाहें तो मेरी बीवी को आजमा सकते हैं। तुम हर लिहाज से अलीना से बेहतर हो। मैंने इन्हें फ्री हिंट दिया है कि वो मेरी बीवी को हर तरह से आजमाएं। अगर कहीं पर तुम अलीना से मार खाती हो या इनके सामने हिम्मत हार जाती हो तो मैं इनकी बात मान लूँगा।
लेकिन मुझे पता है मेरी बीवी किसी से हार नहीं मानने वाली। मेरी बीवी हर लिहाज से परफेक्ट है। वो आहिस्ता से इसके लबों पर अंगूठा फेरते हुए बोला तो वो हैरत से इसे देखने लगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मुझे आपकी खातिर उस अलीना चुड़ैल का मुकाबला करना पड़ेगा? वो परेशानी से इसे देखती बेहद मासूमियत से बोली तो ज़ारिक ने झुककर इसके लबों को चूमा था। क्या तुम मेरी खातिर मेरी कज़न का मुकाबला नहीं कर सकती? बस तुमने मेरे माँ बाप के सामने साबित करना है कि तुम अलीना से हर लिहाज से बेहतर हो। वो दरअसल शादी है ना मेरे कज़न की, तो इसकी शादी ख़त्म होते ही अलीना यहाँ रहने के लिए आ जाएगी और मैं भी कुछ दिन यहीं रहने का इरादा रखता हूँ। जब तक मैं अपने माँ बाप को ये ना बता दूँ कि मेरी पसंद उनकी पसंद से बेहतर है, और अगर मैं फेल हो गई तो वो अलीना मुझसे बेहतर हुई तो वो आंखों में आंसू लिए इससे पूछ रही थी। अचानक ही अलीना के नाम से भी इसे जलन सी होने लगी थी। तो फिर मुझे अपने माँ बाप का दिल दुखाना पड़ेगा। इसे अपने सीने से लगाते हुए वो इसे हर खौफ से निकाल गया था। अर्जक घर के अंदर दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए अजीब सी घुटन इस पर सवार हुई थी। तकलीफ से इसके आसाब चटकने लगे थे। वो अजीब तरह की कैफियत का शिकार अंदर की तरफ कदम उठाने लगा। अर्जू, मेरा बच्चा खाना तो वक्त पर खा लिया करो, क्यों माँ को सताता है? हर वक्त सर पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सवार रहता है। मजाल है कि तू मेरी कोई भी बात मान ले। माँ की आवाज़ पर वो मुस्कुराया था। अर्जू, दरवाज़ा खुला छोड़कर बाहर मत जाना, मैं बोल रही हूँ। खबरदार जब गली में खेलने के लिए गया। अकेली माँ है तेरी, कहाँ कहाँ ढूंढती रहा करे तुझे। अर्जू, बेटा वापिस आ जा, कब तक खेलेगा? देख तो शाम हो रही है, शाम को जिन निकल आते हैं गली में। राबिया खिड़की से झांकते हुए इसे बाहर गली में खेलते बच्चों को देखकर बोली तो इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। घर के अंदर कदम रखते हुए इसने छोटे से डाइनिंग रूम के सोफे पर सफ़ेद पर्दे हटाए थे और फिर गिरने वाले अंदाज में वही सोफे पर गिरता कुशन को अपने सर के नीचे रख गया। राबिया, मेरी बात तो सुनो। मैं मजबूर था। अलमीर दुरानी दरवाजे पर खड़ा बोल रहा था। तुम मजबूर थे? मर्द भी कभी मजबूर होते हैं? अरे मेरा ना सही, अपने होने वाले बच्चे का तो एहसास करते। आज इस औरत को अपने घर की मालकिन बनाकर 3 महीनों के बाद तुम्हें याद आया है
कि तुम्हारी एक और बीवी भी है? मैं यहाँ किस हालत में हूँ, किस तरह जी रही हूँ, जानते भी हो तुम? मुझे लगा था तुम्हारे बाबा को अगर ये बात पता चल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ ये ताल्लुक निभाना ही नहीं था तो फिर क्यों निकाह किया था मुझसे? अगर तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे तो क्यों मुझे पहले यही बता दिया कि बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारी नाजायज औलाद है? कम से कम इसे तो अपना नाम दो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना तुम्हारी दौलत और ना ही तुम्हारा ये आलीशान घर। मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे सिवाय अपने बच्चे के हक के। लेकिन खुदा के लिए अपने बच्चे को तो अपनाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे भेजे गए पैसे। कोई अनपढ़ गवार औरत नहीं हूँ मैं जिसे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत होगी। तुम्हारे भेजे गए पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ही है। मैंने इसमें से एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। मुझे बस मेरे बच्चे के लिए उसका जायज मकाम चाहिए। मैं मजबूर हूँ राबिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा निकाह बचपन से ही हो चुका था, मुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। मैं नहीं चाहता था, मुझे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को मजबूर कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मेरे भाई ने किसी लड़की के साथ ज्यादती कर दी है, ऐसे में मेरे बाबा किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इन्हें बस एक ही बात समझ में आ रही है कि वो जल्द से जल्द उस लड़की को रुखसत करके मेरे पास ले आए और फिर इन्हें तुम्हारे बारे में भी पता चल गया तो उन्होंने मज़ीद हंगामा खड़ा कर दिया। वो फौरन अमामा को रुखसत करके ले आए। वो मुझे धमकी और मुझे धमकी दी कि अगर मैं अमामा के साथ इस ताल्लुक को मजबूत नहीं करता तो वो मुझे बेदखल कर देंगे। इन्हें शक था कि मैंने किसी लड़की से छुपकर ताल्लुकात बना रखे हैं। वो हमारे निकाह के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब मैंने इन्हें ये बताया कि मैं तुमसे कि तुम मेरे निकाह में हो तो मामला मज़ीद बिगड़ गया। मुझे लगा था कि ये मामला छुपा रहेगा, मैं आगे जाकर सब कुछ ठीक कर लूँगा, लेकिन आखिर कब तक ये ताल्लुकात हम छुपा कर रखेंगे? इन्हें कभी ना कभी तो सामने आना ही था, लेकिन जिस तरीके से ये सामने आए हैं मेरे लिए मज़ीद मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं। मैं अमामा को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे माँ बाप के बाद मेरी कोई पहचान नहीं है। अगर मेरा बाप ही मेरा साथ छोड़ दे का तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। लेकिन इस औरत की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरा सब कुछ हो।
हमारा निकाह हुआ है। मैंने अल्लाह और इसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें अपने निकाह में शामिल किया है। मेरे लिए यही मेरा निकाह है, वो इसके चेहरे को थामते हुए बोला। तो इसने एक झटके से इसके हाथ खुद से दूर किए थे। अपनी खुद गर्जी लेकर चले जाओ यहाँ से अलमीर दुरानी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने बाप का मुकाबला कर सको। तुम गलत नहीं थे, गलत मैं थी जिसने तुम्हारे जैसे इंसान का भरोसा किया। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अगर तुम उस औरत को अपने निकाह में रखते हो तो मुझे छोड़ दो। वो गुस्से से पागल हो रही थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता राबिया, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। तुम्हें छोड़ दिया तो जीऊँगा कैसे? अगर मुझे नहीं छोड़ सकते तो फिर उसे छोड़ दो। मैं ना तो किसी की सौतन बनूंगी और ना ही खुद पर किसी को सौतन बनने दूंगी। वो जैसे अपना फैसला सुना रही थी। अगर इसे छोड़ दिया तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। मेरे बाबा ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मैंने अमामा को तलाक दे दी तो वो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। अच्छा, तो तुम्हारे लिए वो जायदाद सबसे अहमियत रखती है, ज़्यादा अहमियत रखती है। ठीक है, तो फिर इस दौलत के लिए तुम मुझे छोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना ये घर, ना तुम्हारा नाम, ना तुम्हारी दौलत, ना तुम्हारा पैसा और ना ही तुम। खुदा की कसम, अगर मुझे पहले बता देते कि तुम किसी से पहले से ही किसी को पहले ही अपने निकाह में रखते हो तो दूसरी दफ़ा और मुझसे दूसरी दफ़ा निकाह कर रहे हो तो मैं लानत भेजती तुम्हारी मोहब्बत पर। ऐसा मत कहो राबिया, मेरे लिए मेरा सब कुछ तुम हो। वो गवार औरत कभी मेरी मोहब्बत नहीं बन सकती, वो सिर्फ एक मजबूरी है। एक दफ़ा इससे मेरा बच्चा हो गया तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने साथ हवेली लेकर जाऊंगा, तुम्हें पहचान दूंगा, अपना नाम दूंगा। कोई नहीं होगा मुझे रोकने वाला, तब कासम बाबा भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो वो औरत तुम्हारे लिए गवार औरत है, लेकिन इससे औलाद पैदा करना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो यकीनन तुम अपना आप बांट कर आए होगे। वो इसकी आंखों में आंखें डाले बोली। तो अलमीर दुरानी से निकाहें उठाई ना गई थी। वो 2.5 महीने से प्रेग्नेंट है, इसने छुपाया नहीं था। जबकि राबिया मजीद कुछ बोल नहीं पाई। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी औलाद को सलामत रखे, खुश रहो। मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगी। वो उठकर यकीनन इसका ये घर छोड़ कर जाने का इरादा रखती थी, जहाँ अभी 6 महीने पहले ही इसने इसे लाकर यहाँ बसाया था। प्लीज़ यूँ ना करो।
तुम मेरी मोहब्बत हो, खुद को बांटते हुए तुम्हें मेरी मोहब्बत का ख्याल नहीं आया। अलमीर दुरानी, मैं प्रेग्नेंट हूँ 3 महीनों से, मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे बगैर सरवाइव नहीं कर सकूंगी, तुमने उस औरत से अपना ताल्लुक इतना मजबूत कर लिया कि वो खानदानी औरत तुम्हारे खानदानी बच्चे को जन्म देने वाली है। एक दफा ये बच्चा हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी मर्जी का मालिक बन जाऊंगा, वो इसे झिझोड़ते हुए बोला था। तुम्हें अपनी मर्जी का मालिक बनने के लिए इस औरत से औलाद पैदा करनी है। अलमीर दुरानी, अपनी मर्जी का मालिक बनने से पहले तुमने उस औरत को वो सब कुछ दे दिया जो मेरा था। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे निकाह में होते हुए मेरा घर छोड़कर नहीं जा सकते। खबरदार, जो तुमने यहाँ से बाहर कदम निकाला, तुम प्रेग्नेंट हो, इस हालत में कहाँ जाओगे? ये तो तुम्हें तब सोचना था जब तुम उस औरत को अपनी बीवी के हकूक दे रहे थे। जाहिलों जैसी बातें मत करो, वो मेरी बीवी है, आज नहीं तो कल मुझे इसके साथ ताल्लुक मजबूत करना ही था। अब सिर्फ तुम्हारी एक छोटी सी जिद की खातिर मैं अपने बाप की करोड़ों की जायदाद नहीं छोड़ सकता। क्या है मेरे पास? अगर मेरे बाप का नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं, कोई पहचान नहीं है मेरी अपने बाप के नाम के बगैर। ये डिग्री लेकर बाहर निकलूँ ना तो कोई 10,000 की नौकरी ना दे मुझे, और तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती हो? कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी मेरे पास। तुम बीवी हो मेरी, मैं तुम्हें दुनिया के सामने तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। मैं तुम्हें रुस्वा नहीं होने दूंगा राबिया, वो इसे अपने सीने में छुपाए समझा रहा था, जबकि वो इस शख्स की मोहब्बत के सामने हर बार की तरह हार गई थी। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, इसके बावजूद भी अलमीर दुरानी का वक्त कहीं और ही गुजरता था। कासम बाबा आजकल बहुत गुस्से में रहने लगे थे, ऐसे में वो अलमीर दुरानी का पता करते हुए इसके पीछे इसके फार्म हाउस में आए थे, जहाँ वो बस अभी अभी दाखिल हुआ था। माशाल्लाह, कितना प्यारा है मेरा बच्चा, वो चंद घंटों के मासूम से बच्चे को दीवानों की तरह चूमता, इसे अपने सीने में बेंच गया था। जबकि राबिया खामोशी से बेड के नज़दीक बैठे उसे देख रही थी। राबिया, देखो ना, इसकी आँखें बिल्कुल मेरी तरह हैं, बल्कि ये पूरा का पूरा मेरी तरह है।
मेरा बच्चा जो है, नाम क्या रखना है? कुछ सोचते हुए कुछ सोचा तो होगा ना तुमने? वो खुशी से पागल हुए जा रहा था। औलाद की खुशी ने इसे राबिया के चेहरे की उदासी ना दिखाई थी। जो चाहे रख लो, सिर्फ नाम ही तो रखना है। कौन सा नाम देना है, कौन सा दुनिया के सामने इसे एक पहचान देनी है। क्यों पहचान नहीं देनी? ये मेरा बच्चा है, मैं इसका बाप हूँ। मैं दुनिया के सामने इसे पहचान दूंगा। बस एक दफा अमामा ठीक हो जाए, एक दफा मेरा बच्चा दुनिया में आ जाए, फिर तुम देखना मैं किसी की नहीं सुनूंगा। वो इसे यकीन दिला रहा था जब अचानक अंदर दाखिल होने वाली हस्ती ने इसके होश उड़ा दिए थे। जबकि कासम बाबा को अपने सामने खड़े देख वो बिस्तर छोड़ कर उठ खड़ा हुआ था। ये सब कुछ क्या है अलमीर दुरानी? तुमने हमसे कहा था कि तुम उस लड़की को छोड़ चुके हो, लेकिन ये बच्चा, ये सब कुछ क्या है? तुम धोखा दे रहे थे हमें। कासम बाबा गुस्से से बिफरते हुए कहने लगे तो राबिया को जैसे दूसरा झटका लगा था। वो अपने खानदान वालों को ये कह चुका था कि वो इसे छोड़ चुका है। ये बच्चा आपके बेटे का है और आपका पोता है, और यकीन करें, ये मुझे छोड़ना चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाली थी। लेकिन इसकी मोहब्बत ने मुझे ये कदम उठाने नहीं दिया। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। वो गुस्से से अलमीर दुरानी को देखते हुए बोली, लड़की तुम चुप रहो, हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं। वो गुस्से से दहाड़े थे और मैं अपने बेटे के बाप से बात कर रही हूँ। मुझे कोई खामोश नहीं करवा सकता। इस इंसान ने मुझसे शादी की है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। इस इंसान ने कहा कि ये मुझे सहारा देगा, मुझे अपना बनाएगा। मैंने इस पर एतबार किया। अगर मुझे पता होता कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बीवी और बच्चे को दुनिया के सामने कबूल कर सके, तो यकीन करे मैं कभी इस इंसान का हाथ ना थामती। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सजा शायद अब मैं उम्र भर मुझे मिलेगी। लेकिन मैं अपने बेटे के लिए अपनी इस गलती को सजा नहीं बनने दूंगी। अपने बेटे से कहें या तो अपनी औलाद को अपना नाम दे, अपनी पहचान दे, या फिर मुझे इस नाम नहाद रिश्ते से आजाद करे। वो बेहद गुस्से से बोल रही थी। अब तुम इस मामले को मजीद बिगाड़ रही हो। अलमीर ने इसे
समझाना चाहा था। ये मामलात कभी नहीं सुलझ सकते। मैं तुम्हें पिछले 6 महीनों से एक गैर औरत के साथ बांट रही हूँ। मैं कौन सी अजियत सह रही हूँ तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ तुम्हारी बीवी प्रेगनेंसी की हालत में जी रही है, मर रही है, ये छोड़कर तुम उस दौलत के पीछे लगे हो जो तुम्हारा बाप तुम्हें देगा। तो सुन लो, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे का बाप चाहिए। अगर तुम मुझे मेरे बच्चे का बाप नहीं दे सकते तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से पागल हो रही थी, बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। तन्हाई में गुजरती रातों ने इसे एहसास दिलाया था कि इसने अपने पास अपना कुछ नहीं छोड़ा है। हम तुम्हारी इस औलाद को अपने ख़ानदान की औलाद नहीं मानते। हम नहीं मानते कि तुम जैसी औरत जो हमारे बेटे के साथ ताल्लुक कायम कर सकती है वो किसी और के साथ ताल्लुक नहीं बनाएगी। हम पूछते हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये बेटे कि हमारे बेटे की औलाद है ये? कासम बापा गुस्से से राबिया को देखते हुए बोले थे, जब उसने एक नज़र अलमीर दुरानी को देखा था जो अपने बाप को समझाने की कोशिश कर रहा था, अपने बाप के लफ्ज़ों को समझने की नहीं। कासम दुरानी साहब, मैंने भीख नहीं मांगी आपसे कि आप मुझे अपने ख़ानदान का नाम दें। खबरदार जो आपने मेरे किरदार पर उंगली उठाई, अगर आप इसे अपने बेटे की औलाद कबूल नहीं कर सकते तो ये मत सोचिएगा कि आपके ख़ानदान की उन औरतों में से हूँ जो आपके सामने आवाज़ उठाने से पहले 1000 दफ़ा सोचेंगी। मेरी मोहब्बत ने मुझे कमज़ोर किया है, वरना अपने लिए लड़ने का हौसला मैं रखती हूँ। और ये मत सोचिएगा कि आपके बेटे की दौलत पर बैठी हूँ। मैं अपने बेटे के लिए खुद कमा सकती हूँ, इसे खिला सकती हूँ, इसे पाल सकती हूँ। किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है मुझे। वो बोलने पर आई तो फिर रुकी नहीं थी। कासम बाबा ने एक नज़र इस लड़की के हौसले को देखा था। तलाक दो इसे, हक महर अदा करो, और जो इसके हिस्से में आता है इसे दो। आज के बाद ये लड़की हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। कासम बाबा दहाड़े थे, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, अपना हिस्सा मेरा बेटा खुद ले लेगा। फिलहाल अपने बेटे से कहें कि सिर्फ तलाक दे मुझे, मैं इस नाम नहाद रिश्ते से आज़ादी चाहती हूँ। राबी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम एक दफ़ा वो लड़की तुमसे तलाक चाहती है तो क्यों ज़बरदस्ती इसे अपने निकाह में बांध के रखा है तुमने? छोड़ो इसे, वैसे भी हमारे ख़ानदान में तुम्हारी
बीवी के रूप में सिर्फ अमामा को ही कबूल किया जाएगा। कासम बाबा तेज लहजे में बोले थे, कासम बाबा मैं मोहब्बत करता हूँ इससे। इसकी आवाज़ फिर भी तेज ना थी कि वो बगावत पर उतर आता। राबिया समझ चुकी थी कि वो गलत जगह दिल लगा चुकी है। इस इंसान में तो इतना दम ही ना था कि वो अपने बच्चे को दुनिया के सामने कबूल कर पाता। बल्कि दुनिया के सामने क्या, वो तो अपने बाप के सामने आवाज़ नहीं उठा सकता था। ठीक है, अगर ये तुम्हारी मोहब्बत है तो फिर हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करते हैं। जाओ, चले जाओ। इसके साथ अपनी बीवी और बच्चे को पालो। मैं देखता हूँ कि मेरे नाम के बगैर कैसे सर उठाकर जीते हो तुम। अरे लोग लोग तलवे चटवाएंगे तुमसे, इसलिए सोच समझ कर फैसला करो। ये लड़की या इसकी औलाद, या फिर अमामा और इसकी औलाद। कासम बाबा उसे देखते हुए बोले, जबकि अलमीर दुरानी दौलत के हाथों फिर अपनी मोहब्बत को भूल गया था। अपने ख़ानदान के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी मोहब्बत और औलाद को छोड़ गया था। इसकी आंख खुली तो वो वही सोफे पर पड़ा हुआ था जहां वो कल आकर सोया था। इसने कल से कुछ नहीं खाया था। उठकर सोफे पर बैठते हुए इसने बाहर से कुछ खाने के बारे में सोचा था, लेकिन इससे पहले इसे फ्रेश होना था। ये घर इसकी माँ का था। ये छोटा सा 3 मरले का घर इसकी माँ ने अपनी दिन रात की मेहनत से बनाया था, और ये घर उसका कुल असासा था। इसके पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वो इस घर के साथ साथ इस हवेली पर भी अपना हक जमाए। इसकी माँ ने कहा था अलमीर दुरानी से, उसे कुछ नहीं चाहिए, बाकी अपने बाप की जायदाद से अपना हिस्सा वो खुद ले लेगा। दरवाजे पर बेहद आहिस्ता से दस्तक हुई तो वो फौरन अपना बेड छोड़ती दरवाज़ा खोल चुकी थी। जबकि वो अंदर दाखिल होता, दरवाजे को बंद करता, अपनी बाहें फैलाकर आयरा को अपने सीने में छुपा चुका था। वो आहिस्ता से इसे अपनी बाहों में भरता, उठाकर बेड पर लेकर आया था। कितनी हसीन लग रही हो, वो इसे सर से पैर तक देखने लगा। इसने ना तो अपना मेकअप रिमूव किया था और ना ही अब तक इसने चेंज किया था। अब तक इसके निकाह वाली दुल्हन बनी वो कमरे में इसके आने का इंतज़ार कर रही थी। आप भी बहुत प्यारे लग रहे थे, मैंने देखा था चोरी चोरी आपको, जब आप अलवीना के साथ फोटोशूट करवाने आए थे। इसके सीने पे अपना सर रखते हुए वो
मासूमियत से अपनी चोरी का एतराफ कर रही थी, जबकि अजबक ने कहका लगा कर हंसना चाहा, तो इसने इसके लबों पर हाथ रखते हुए इसकी आवाज़ को कंट्रोल किया था। अगर मुझे पहले पता होता तो मेरी बीवी मेरा दीदार करने के लिए इतनी बेकरार है, तो यकीन मानो मैं भी चेंज किए बगैर ही तुमसे मिलने आ जाता। वो इसके साथ बेड पर लेटते हुए इसे अपने सीने में छुपाते हुए बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। शुक्रिया मेरी जान मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। मैं बाप बनने वाला हूँ, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ये खुशी कितनी बड़ी है। हाना, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करूँगा, इसे हमेशा अपने सामने रखूँगा, अपने सीने में छुपा कर वो मेरी बाहों में होगा। वो छोटा सा होगा ना, बिल्कुल, वो अपने सामने अपने हाथों को करता खुशी से इस अंदाज में बोला था, जैसे वो छोटा सा वजूद अब भी इसकी बाहों में हो। मुझे तो अभी से गुदगुदी होने लगी है सोच करके मैं बाप बनने वाला हूँ। वो इसके माथे को चूमता, दोबारा से इसे अपने सीने से लगाते हुए बोला था, हाना तुम थक गई होगी, तुम चेंज कर लो। ऐसी हालत में इतना भारी लिबास पहनना ठीक नहीं है, वो इसकी फिक्र में हलकान होते हुए बोला। तो आयरा खिलखिलाई थी, हान ये सब कुछ बाद में होता है, शुरू शुरू में फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। आहिस्ता आहिस्ता मैं एहतियात करना शुरू कर दूंगी, वो इसे समझाते हुए बोली। तो अजबक ने फिक्रमंदी से नफ़ी में सर हिलाया था, नहीं हाना, बेएहतियाती ठीक नहीं, तुम्हें अभी से एहतियात करनी चाहिए, और चेंज करवाने में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इतना सब कुछ लगाने की क्या ज़रूरत थी, कौन सा मैं तुम्हें देखने वाला था। कासम बाबा की पाबंदियों को नज़र में रखते हुए इतना तैयार होना था ना। वो इसे ज़बरदस्ती बेड से उठाकर आईने के सामने लेकर आता, इसके ज़ेवरात उतारने लगा था, वो इसका दुपट्टा अलग करता, इसके बालों को खोलते हुए अलमारी से इसके कपड़े निकालने लगा था। मैंने कासम बाबा से कहा था कि तुम्हें अस्पताल लेकर चलना है, लेकिन कासम बाबा ने कहा कि वो तुम्हें घर पर ही डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवा लेंगे। फिर डॉक्टर का फ़ोन आ गया तो उसने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो कासम बाबा ने कहा कि इसी की वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। जिस तरह कल अचानक तुम्हारी तबीयत, हान कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं मजाक कर रही थी, बताया तो था ना आपको, बस आपको तंग करने के लिए ही बोल दिया था। आप तो इस बात को लेकर ही बैठ गए हैं, मैं सच कह रही हूँ, वो सिर्फ मजाक था,
वो इसके हाथ से कपड़े लेते हुए कहने लगे, अगर मजाक था तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी तकलीफ क्यों थी? क्योंकि मैं बहुत अच्छी प्रैंकस्टर हूँ। आप भी ना एक बात को लेकर पीछे लग जाते हैं। बैठे आप, मैं चेंज करके आती हूँ। वो प्यार से इसके गालों को छूते वॉशरूम में चली गई थी, जबकि अजगर को अब भी सुकून ना मिला था। वो थोड़ी देर में चेंज करके आई तो वो बेड पर लेटा हुआ था। यकीनन आज का दिन थका देने वाला था। आयरा इसके पास आने पर इसके सीने पे सर रखती आंखें बंद कर गई थी। वो अपने बालों में चलती इसकी उंगलियों का लम्स महसूस करती मुस्कुराई थी, जबकि इसका नरम और मुलायम लम्स थोड़ी ही देर में इसे नींद की वादियों में उतार गया था। तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो अपने कमरे से निकलता एल्विना के कमरे की तरफ आया था। रात के 2:30 बज रहे थे। यकीनन कासम बाबा अपनी नींद लेकर अब तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे थे। वो एल्विना से मिलने का इरादा रखता था, जब इसे कासम बाबा की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। इसके कदम रुक गए थे, मर गए। वो बुरबुराया था, जी कुछ नहीं, मैं तो बस गुजर रहा था, भूख लगी थी, सोचा कुछ किचन में खाने के लिए जाता हूँ। लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं? अब तक आपको सो जाना चाहिए था। इतना भी अच्छा नहीं होता सारी रात जागना। वो सीढ़ियों से उतरता तेज़ी से किचन की तरफ गया था, जबकि कासम बाबा ने एक सख्त निगाह इस पर डालते हुए वापस अपने कमरे की तरफ जाने के बजाय बाहर सोफे पर बैठना बेहतर समझा था। आप आधी रात को यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? वो किचन से पानी का गिलास लेकर आता इन्हें बाहर देखकर बदमजा हुआ था। अपने पोते की करतूतों पर नज़र रखे हुए हों, उन्होंने सख्ती से कहा तो राइक हर बरा सा गया था। कासम बाबा बेकार में शक कर रहे हैं मुझ पर। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं हरगिज़ एल्विना के कमरे में नहीं जाने वाला था। मैं आप के बनाए गए असूलों पर अमल कर रहा हूँ, वो पानी का गिलास लबों से लगाते हुए बोला था। हाँ ठीक है, हमने सुन ली तुम्हारी बात, लेकिन हम यकीन नहीं करेंगे। वो जैसे बात ही ख़त्म कर गए। इसने एक नज़र कासम बाबा की बेरहमी पर डालते हुए अपने कमरे की तरफ कदम उठाए थे। कोई बात नहीं, अभी ना सही। बाहर कासम बाबा ने कौन सा सारी रात बैठना था, तहज्जुद पढ़ने तो उठना ही था। रात 3:30 बजे का वक्त था। इसे नींद ना आनी थी, इसे नींद ना आई थी। वो सोफे, वो एल्विना को अपने निकाह की दुल्हन बने देखना चाहता था। वो कैसे सुकून में रहता। वो आहिस्ता से बेड छोड़ता कमरे से निकला तो इसे नीचे से आयरा के कमरे से निकलता अजबक नजर आया था। वो तेज़ी से सीढ़ियां फैलाता ऊपर की जानिब आया था, जब वो इसका रास्ता रोके इसे ज़ियोमानी अंदाज में देखने लगा, जबकि कासम बाबा नीचे सोफे पर बैठे हुए थे। वो इतनी चालाकी से ऊपर की जानिब आया था कि कासम बाबा को भनक तक ना पड़ी थी। इधर कासम बाबा तो सच में इनकी मोहब्बत के दुश्मन बने थे। किसी बॉडीगार्ड की तरह वो पिछले 45 मिनट से सोफे पर बैठे थे।
कासम बाबा कहीं बैठे बैठे सो तो नहीं गए? चोर तो अपना काम करके वापसी की राह भी ले चुके हैं, राइक ने काफी ऊंची आवाज में कहा। तब तक अजबक सीढ़ियां तय कर चुका था। इसकी आवाज पर कासम बाबा, जो शायद नींद में उतर चुके थे, हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। कासम बाबा, फिक्र ना करें, मैंने चोर पकड़ लिया है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो राइक दुरानी? तुम्हारा इरादा क्या है? कासम बाबा ये आपसे बगावत कर रहा है। आधी रात को तुम यकीनन अलवीना के कमरे में जा रहे थे। अगर मैं न देखता तो तुम अब तक जा चुके होते, अजबक अचानक से बोलता कासम बाबा को अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया था। जबकि राइक, जो इसका भांडा फोड़ने वाला था, हैरत से इसे देखने लगा। राइक दुरानी, वो तुम्हारी ही है, इसे तुम्हारे पास ही आना है। सिर्फ 2 दिन सब्र कर लो, कल मेहंदी पर, परसों शादी। 2 दिन सब्र नहीं हो रहा तुमसे कासम बाबा, इसका तो कोई हाल ही नहीं है। वो तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कोई चल रहा है। मैं फौरन कमरे से बाहर निकला था, अजबक इस तरह बोला था जैसे वो सच में किसी शक के बिना पर कमरे से निकला हो। पाँव में जूते नहीं थे, लाइट ढीले से ट्राउजर के साथ उसने ऊपर पहनी शर्ट भी काफ़ी बेतरतीब थी। वो सच में सोई जागी कैफियत में ही लग रहा था। जबकि इसकी बानिस्बत राय काफ़ी टशपश कंडीशन में था, तो कहाँ से कासम बाबा इसका भरोसा करते? कासम बाबा, ये अजबक अभी नीचे से ऊपर बरे लाला इंसान बन जाओ, ये हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। तुम इस खानदान के सबसे सुलझे हुए बच्चे हो। अजबक इसके कंधे पे हाथ मारता शरारत से आंख दबाता अपने कमरे की तरफ चला गया था। जबकि कासम बाबा अब गुस्से से इसे देख रहे थे, यकीनन अब इसकी शामत पक्की थी। तो गाइस, आज 8 मुहर्रम है, आज रात नेट बंद हो जाएंगे हमारे। 9 और 10 मुहर्रम को इधर नेट नहीं आता, तो 2 दिन एपिसोड नहीं आएगी। तो आपको पता है कि मैं वैसे भी 9 और 10 मुहर्रम को एपिसोड नहीं देती, तो इसलिए इंतज़ार मत कीजिएगा। हम मिलेंगे अब इंशाल्लाह 11 मुहर्रम से, यानी कि जुमरात से 2 दिन बाद। तो तब तक अपनी राइटर को दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफिज़।